पाउच बनाने के लिए हमें 2 पीस चाहिए। ये लेदर फैब्रिक से हमने बनाए, अंदर एक पार्ट में हमने अंदर पॉकेट ज्वाइन कर दिया है और ऐसे शेप में भी कट कर दिया है। इसे कट करना है, हम दिखा दें। इसके लिए हमें ऐसे फोल्ड करना है पहले, और यहाँ से 1/2 इंच मार्क कर देना है, और ऐसे हमें शेप देना है इसे, और ऐसे हमें कट करना है शेप में। हमने इसे शेप में कट कर दिया है ये दोनों पार्ट ऐसे। अब हम इसे जीप के लिए पट्टी तैयार कर देते हैं। ये जीप के लिए पट्टी 10.10 बाय 4.5 इंच, इसका 4.5 इंच इसकी ब्रेथ है और 10 इंच इसकी लंबाई है। अब हम इसे फोल्ड करके बीच में कट कर लेना है जीप के लिए। इसे हमने कट कर दिया है। अब हमें इसके साइज की 10 इंच की ये जीप यहाँ जोड़ देते हैं, यहाँ इस साइड यहाँ सिलाई लगाना है और फोल्ड करके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। जीप हमने जोड़ दी है यहाँ। अब इस साइड हम यहाँ ये पार्ट जोड़ देते हैं इसे। यहाँ स्टिच करने के बाद फोल्ड करके ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। हमने इसमें जीप लगा दिया है और दोनों पार्ट भी जोड़ दिए है। अब हमें इसे ये स्ट्रिप बनाने के लिए छोटा सा ये पीस चाहिए। इसकी लंबाई है 5.5 और इसकी चौड़ाई है 2 इंच। 5.5 और 2 इंच का हमें वन पार्ट चाहिए। हमें इसे छोटी स्ट्रिप बनानी है, इसे फोल्ड करके ऐसे हमें ऊपर सिलाई कर देनी। हमें स्ट्रिप तैयार कर दिए। अब हमें ये स्ट्रिप ऐसे फोल्ड करके या इस जिप के ऊपर हमें अटैच कर देनी है, इसे ऐसे स्टिच करना है। हमने ये जोड़ दिया है स्ट्रिप यहाँ। अब हमें बाजू का बेस बनाने के लिए हमें ये पार्ट चाहिए। इसे हमने लाइनिंग का पीस लगाया है 16 और 4.5 इंच का हमें वन पार्ट। अब हमें ये पार्ट यहाँ इस स्ट्रिप के ऊपर जोड़ देना है, ऐसे ऐसे जोड़ देना है और ऊपर स्टिच कर देना है। बाद में फोल्ड करके ऐसे ऊपर सिलाई लगानी, सेम इस साइड भी हमें ऐसे ही कर देना है। ऐसे सिलाई लगानी और फोल्ड करके ऊपर हमें स्टिच कर देना है। हमें दोनों साइड ऐसे जोड़ दिया है ऐसे। अब हम इसे सेंटर मार्क कर देना है पहले जेब का। स्टिच लाइन को जोड़ के इसे स्टिच इसे जीप का दोनों साइड हमें सेंटर मार्क कर देना है। हमें दोनों तरफ सेंटर मार्क कर दिया है। अब हमें ये दोनों पार्ट में भी सेंटर मार्क कर देना है, यहाँ बीच में हमने सेंटर मार्क कर दिया है। अब हमें जीप का जो पार्ट है ये सेंटर मार्क ऐसे यहाँ जोड़ देना है, ऐसे 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 इस तरफ ऐसे इस तरफ हमें राउंड में हमें स्टिच कर देना है। हमने इसे स्टिच कर दिया है राउंड में, ऐसे स्टिच कर दिए। अब हमें दूसरा ये दूसरा पार्ट ऐसे उल्टा रखे, पूरा राउंड में हमें सिलाई कर देनी। हमने 2 साइड स्टिच कर दिया है ऐसे, इस साइड ऐसे ही साइड। अब हम इसे बैक को सीधा कर देते हैं ऐसे। हमने पाउच सीधा कर दिया है। अब हम इसे क्या करना है, ऊपर से ऐसे स्टिच कर देना है, ऐसे फिनिशिंग के लिए इसे स्टिच कर देना है। हमने स्टिच कर दिया है ऊपर से भी। ये हमारा छोटा सा पाउच तैयार हो गया है। अंदर भी बहुत सारा स्पेस है, अंदर स्पेस है, अंदर पॉकेट बनाया हमने छोटा सा कॉइन रखने के लिए।